फ्रेंड्स, आज मैं झटपट से बनने वाला गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं बिना खोए का बनाऊंगी और ये 20 से 25 मिनट में फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। मार्केट जैसा ही ये सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। इसको बनाने के लिए 1 कप दूध ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच छोटा चम्मच हम सूजी डालेंगे और 1 कप भर करके मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसे गैस पे नहीं रखा है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमें इसे गैस पे रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हमें पका लेना है। तो 4 से 5 मिनट लग जाते हैं लगातार चलाते हुए। आप इस दूध और मिल्क पाउडर को पका लें, थोड़ी देर में ही ये गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल खोए के जैसा ये मिल्क पाउडर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और पूरी तरीके से हमें इसे ठंडा कर लेना है। तो आपने देखा इतना सारा हमारा खोआ बन करके तैयार हो गया। अब चाशनी बनाने के लिए 1 कप भर करके हमने चीनी ले लिया है, 1 से 1.5 कप हमने पानी डाल दिया है और इसे गैस पे रख देंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, आप चाहे तो इलायची को तोड़ करके डाल सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक के लिए इसको बॉयल कर लें और चाशनी बन गया है। इधर हमारा खोआ भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और डालूंगी जो कि है मैदा। 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे मसल मसल के एक डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं डो हमारा बन गया है। इसको अच्छे से हमें खूब अच्छे से मसलना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तभी गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही चिकना हमारा डो बन गया है। अब आप जितना छोटा बड़ा गुलाब जामुन बनाना चाहें उतना बड़ा और छोटा आप इस तरीके से लोइयां कट कर लें। तो हम छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि चाशनी में जाने के बाद ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो एक को लें और अच्छे से हाथों पे रब करते हुए सर्कल बना लें, बिल्कुल क्रैक फ्री ये गोला बन जाता है। तो अब इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक मैं और दिखा रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये गुलाब जामुन बन जा रहा है। इसी तरीके से हम सभी गुलाब जामुन को बना करके तैयार कर लेंगे। तेल को हमने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, आप चाहे तो घी में भी इसको तल सकते हैं। तो तेल को हल्का मीडियम गर्म होना चाहिए और बस हम इसमें डाल देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसे हमें थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद ही हमें इसे चला लेना है। तो धीरे धीरे आप इसको चलाएं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है। इसी तरीके से चलाते हुए हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो आप देख सकते हैं कोई भी गुलाब जामुन टूटा नहीं है, बहुत अच्छा कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल करके एक बड़े से बर्तन में डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। चाशनी को पहले हमें हल्का सा गर्म कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें डाल देना है। तो फ्रेंड इस तरीके से अच्छे से गुलाब जामुन डूब गया है। अब इसे हम ढक करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं गुलाब जामुन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से रस पी चुका है। आप चाहे तो इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं इसको तोड़ करके भी आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा ये गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल मिल्क पाउडर से भी आप घर पर बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बना सकते हैं। अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।